नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आओ देखो ऑल मिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जंगली भिंडी के अनेक प्रकार के फायदे बताएंगे और जंगली भिंडी से आपको परिचित कराएंगे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इसी तरह की वीडियो हर बार देखने के लिए चैनल में जुड़ जाए दोस्तों। और उसके बाद जो घंटी का निशान आता है सब्सक्राइब करने के बाद, उसको भी ऑन कर दे दोस्तों। इससे हम जब भी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगती है पूरा देखने के बाद, तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं जंगली भिंडी के अनेक प्रकार के फायदे। तो दोस्तों, जान लीजिए आप, जंगली भिंडी जो है जंगलों में पाया जाता है, इसलिए इसको जंगली भिंडी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको अलग नाम से जाना जाता है। जंगल रमकलिया बोलते हैं इसको, जंगली रमकलिया। तो दोस्तों, घरेलू भिंडी से जंगली भिंडी कुछ अलग होता है। इसके फल जो देख रहे हैं वो इस प्रकार से दिखाई देता है, और जंगली भिंडी से घरेलू भिंडी की पौधे कुछ छोटा होता है। जंगली भिंडी का पौधा बड़ा होता है, और कहीं कहीं जंगली भिंडी का पौधा भी छोटा छोटा हो जाता है। यह कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, लगभग 3 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है जंगली भिंडी का। और दोस्तों, जंगली भिंडी में 3 कलर के फूल होते हैं, कहीं कहीं पीला फूल हो जाता है, कहीं कहीं सफ़ेद फूल हो जाता है, और कहीं किसी में लाल फूल भी लग जाता है। तो कभी कभी तो हमने ऐसा भी देखा है कि जंगली भिंडी के पौधे में, एक ही पौधे में 3 प्रकार के फूल लगे रहते हैं। पीला फूल उसी में लगे रहेगा, उसी में लाल भी फूल लगे रहेगा, और उसी में सफ़ेद फूल भी लगा रहेगा। तो इस तरह से कभी दिखाई दे तो उसमें चौंकने वाली बात नहीं है। जंगली भिंडी में यह कॉमन बात है, एक ही जंगली भिंडी के पौधे में 3 अलग अलग कलर का फूल फूल जाता है। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, आप कभी भी देखो तो समझ लेना ये जंगली भिंडी ही है। अब इसका फल देख लिए आप और इसका फूल के बारे में बता लिया, आपको पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका पत्ता जो है घरेलू भिंडी के पत्ते से कुछ अलग होता है। तो दोस्तों, आप जान लीजिए इसके औषधीय गुणों के फायदे के बारे में, यह क्या क्या रोग को दूर कर सकता है और किस रोग में इसका ज़्यादातर उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, दोस्तों अब मैं आप लोगों को जंगली भिंडी के फायदों के बारे में बता रहा हूं, उसके औषधीय गुणों के बारे में बता रहा हूं। आप इस जंगली भिंडी को किस प्रकार से उपयोग कर सकते हो, किस किस समस्या को दूर करने में इसका प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर किसी को डायबिटीज़ है, मधुमेह की बीमारी है, अगर उसको लेवल में रखना है, शुगर लेवल उसका कंट्रोल में रखना है, तो इसका अगर जड़ और पत्ती और फूल तीनों का अगर छाया में सुखा करके चूर्ण बना करके वह रख लेता है, और उसको सुबह शाम गर्म गुनगुने, गर्म नहीं, गुनगुने पानी के साथ अगर एक एक चम्मच पाउडर उसका लेता है चूर्ण, तो उसका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है दोस्तों। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। अगर किसी को कभी शुगर लेवल कंट्रोल में रखना हो, किसी को डायबिटीज़ हो, तो वह इसके चूर्ण का इस्तेमाल करके असर देख सकता है दोस्तों। अगर दोस्तों किसी को सर्दी खांसी बुखार है, तो अगर आप इसके पत्तों और फूलों का, आजकल के मौसम में मिल जा रहा है पत्ते और फूल जंगल में, अगर इसके पत्ते और फूल का काढ़ा बना करके उसको अगर पिलाते हो सुबह शाम, तो उसमें भी सर्दी खांसी में भी बहुत अच्छा काम करता है यह जंगली भिंडी का काढ़ा। तो आप उसको काढ़ा बना करके भी दे सकते हो, सर्दी खांसी के जो मरीज रहेगा उसका, उसको में भी बहुत कंट्रोल होता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप इसकी जड़ का प्रयोग धातु रोग में करना चाहते हो, तो उसमें भी कर सकते हो। इसमें इसकी जड़ में वह शक्ति होती है कि यह किसी भी प्रकार की धातु रोग को, समस्या को ख़त्म कर सकती है, नष्ट कर सकती है दोस्तों। धातु रोग को मिटा करके आपको हष्ट पुष्ट बलवान बनाने में मदद कर सकती है दोस्तों, अगर इसकी जड़ का सेवन करते हो। तो जड़ का सेवन उसी प्रकार करना है, इसका छाया में सुखा करके पाउडर करके, इसके पाउडर को शहद या दूध के साथ सुबह शाम लेना है आपको खाली पेट, तो आप जो धातु रोग की समस्या रहेगी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों। तो आप इसका जड़ का उपयोग कर सकते हो धातु रोग को मिटाने के लिए।
दोस्तों, यह जंगली भिंडी का जो बीज होता है यह बीज बहुत ही गुणकारी होता है दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर हमारे किसी भी प्रकार की रक्त दोष है शरीर में तो उसको मिटाने के लिए यह रामबाण औषधि है दोस्तों। अगर इसके बीजों का चूर्ण बना करके रख लेते हो और उसमें प्रतिदिन आधे से एक ग्राम की मात्रा में शहद मिला करके उसको चाटते हो, उसको खाते हो सुबह शाम, लेकिन इसको खाना खाने के बाद चाटना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा, तो इससे आपका ब्लड सर्कुलर बढ़ेगा दोस्तों और ब्लड पूरी तरह से साफ हो जाएगा, किसी भी प्रकार की रक्त समस्या आपको कभी नहीं होगी दोस्तों, अगर आप इसके बीजों का सेवन करते हो, जंगली भिंडी के बीजों का। तो अगर रक्त की किसी भी प्रकार की दोष को दूर करना चाहते हो तो इसके बीजों का सेवन अवश्य करें, जंगली भिंडी के बीजों को ले आएं और उसको चूर्ण बना करके रख लें। तो दोस्तों, आप इसका सेवन करके आप अपने रक्त संचार को बढ़ा सकते हो, शरीर में ऊर्जा पैदा कर सकते हो, किसी भी प्रकार की जो रक्त दोष होता है दोस्तों उससे आप बच सकते हो। तो आप दोस्तों इसका इस्तेमाल बिल्कुल कीजिए, आपको बहुत ही फायदा होगा इसके बीजों का सेवन करके। तो दोस्तों, आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल में जुड़ जाएं दोस्तों इसी तरह की वनस्पति ज्ञान जानने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।